भाई पटेल जी की पावन पुण्य तिथि है। आज ही के दिन 1950 में उन्होंने अपने आप को इस धराधाम से विदा करके भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श इस देश के सामने रखा था। हम सब जानते हैं कि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं वह नाम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भारत के 563 से अधिक रियासतों को एकीकरण करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना एक ध्रुव और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिनमें बहुत सारे रियासतें ऐसी थी जो उस समय कहीं ना कहीं विचलन किसी स्थिति में थी, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद इन दो रियासतों के बारे में उनकी हरकतों के बारे में हर व्यक्ति जानता है। लेकिन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण के भी में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। उनके द्वारा आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी की लड़ाई के बाद जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया गया आज भी प्रासंगिक है, हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है, मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब इस संकल्प के साथ में कि भारत की एक और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सदैव स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उससे प्रेरित करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्मारक समिति को लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन सभी आदर्शों को जीवंत बनाने के लिए इनके द्वारा निरंतर कार्यक्रम किए जाते हैं इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर इस पुण्यतिथि को इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आइए मैं निवेदन करता हूं अपने विधायक जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और
हम सबका मार्गदर्शन करें, हमारे बीच में अपने दुश्मन